بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائه اجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان मोहतरम नागरीन कराम मजीद के चौथे पारे का खुलासा पेश खिदमत है चौथे पारे में कुरान मजद में मुबारक सबारक इमरान की आयत नंबर बानवे से लेकर और आखिर सर अल इमरान यानी आयत नंबर दो सौ ये आयत चौथे पारे में शामिल हैं और इसके अलावा सूर मुबारक निसा की तेईस आयतें इस चौथे पारे में शामिल है सूर्य इमरान की आयत नंबर बानवे में ख़ुदा करीम ने नेकी का हसूल बयान किया कि देखो तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकता कि जब तक उन चीज़ों में से अल्लाह की राम इनफाक़ ना करे कि जिसको वो खुद पसंद करता है जिससे वो खुद मोहब्बत करता है उसके बाद ख़ुदांद करीम ने अल्लाह के नबी जनाब इसराइल का तस्करा किया कि खुदांद करीम ने इसराइल पर कोई चीज़ें हराम नहीं की थी, मगर ये कि खुद जनाब इसराइल ने अपने ऊपर कुछ चीज़ें हराम कर ली थी और ये जो लोग अल्लाह की तरफ नस्बत देते हैं कि अल्लाह ने फ़ला फ़ला चीज़ों को हराम करा दिया है ये सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है इसके बाद खुदा वंद करीम ने खान काबा की अजमत को बयान किया और खान काबा में मौजूद जो अल्लाह की निशानियाँ हैं उनको बयान किया और हज के वजूब का तस्करा हुआ इन्ना बैतुअल बक्त मुबारक उदालमीन के सबसे पहला वो घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो वो है जो कि बक्का में है यानी मक्का में है और वो घर मुबारक है और आलमीन के लिए उस घर में हिदायत है फ़ी आयातुम बैनात म़ाम वब्राहीम उस घर में बहुत ही वाज निशानियाँ हैं कि जिसमें से एक निशानी हज़रत इब्राहिम का मकाम है और फिर खुदांद करीम ने बयान किया कि ला सजुल्बैत मनस्त सबीला अल्लाह के लिए हर उस शख्स पर कि जो इस्तात रखता हो उस पर वाजिब है इस घर का कस करे और हज अंजाम दे इसके बाद खुदांद करीम ने अहले किताब का तस्करा किया कि देखो ये जो अहल किताब हैं ये अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और अल्लाह की निशानियों का अल्लाह का इनकार करते हैं अहल ईमान को भी खुदांद करीम ने तंगी कर दी कि देखो अगर तुम इन अहल किताब की इतात करोगे तो ये तुम्हें दोबारा उसी दीन की तरफ़ फेर देंगे यानी दोबारा तुम्हें काफिर बना देंगे लिहाजा इनकी इतात ना करो फिर इसके बाद ख़ुदांद करीम ने अहल ईमान को कुछ नसीहतें कें कि जिनमें से सबसे पहली नसीहत ये थी यादी आमन हक का तुका नए ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो कि जैसे उससे डरने का हक है वला तमतना तुम मुस्लिमों और देखो तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर ये कि तुम मुसलमानी की हालत में इस दुनिया से जाओ वाह तस्मिल्ला जमीअन वाला तफर रखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरक़े में ना पढ़ो इसके बाद खुदांद करीम ने दीन इस्लाम के एक इंतहाई अहम फरीजे की तरफ इशारा किया कि जिसका नाम है अमर मारूफ व निलमुनकर वलतकम मिनकुम उमत यदून अलखैर वमरून बिलमारूफ़ वन अलमुनकर व उलायका हमलमफिल तुम में से एक ऐसी उम्मत होनी चाहिए जो दावत ख़ैर की तरफ और दे अच्छाई का और बुराई से रोके और यही वो लोग हैं जो कि कामयाब हैं और फिर उसके बाद रोज़ महर का तस्करा हुआ कि रोज़ मैशर में कुछ चेहरे सियाँ होंगे कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे जो चेहरे सफ़ेद होंगे उनकी जज़ा क्या होगी जो चेहरे सियाह होंगे उनकी जजा क्या होगी इसको खुदा करीम ने बयान किया और इसके बाद दोबारा खुदा करीम ने अमिनमारूफ व मुनकर का तस्करा किया कन तुम खैर उम्मन उखरजतिन नास्तामरून अबिलूफ़ व तनहऊन अलमनकर तुम बेहतरीन उम्मत हो कि जो लोगों के लिए निकलती है ताकि लोगों को अच्छाई का हुक्म दे और उनको बुराई से रोके इसके बाद दोबारा खुदांद करीम ने अहल किताब का तस्करा किया और फरमाए के बल आमाना किताब लकाना ख़ैरल अगर अहल किताब ईमान ले आएँ तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है मन हमुलमिन व अक्सर हमुलफ़ास अहल किताब में से कुछ अफराद वो हैं कि जो ममिन हैं यानी साहेबान ईमान रह साब ईमान हैं उनकी अक्सरियत जो है वो फ़ासिक है ये कुरान का और इस्लाम का इम्तियाज़ है कि उसने अगर किसी कौम में कोई अच्छा है तो उसकी अच्छाई को बयान किया है यानी कुरान और इस्लाम ने इस तरीके से नहीं कहा कि अगर एक कौम कोई बुरी है तो उस कौम के सारे अफराद को बुरा कहा हो कहा नहीं ये अहल किताब के इनमें से अक्सर फासिक हैं लेकिन इनमें से कुछ अफराद मोमिन भी हैं जैसा कि आगे चलकर बयान हुआ कि लई सुमिन किताब उम्मत उमतनका्मत आयात आनाबिल्ह वल आख़र वमरून अबिलूफ़ व नाउन मुन्नकर के ये अहल किताब सब के सब बराबर नहीं है एक जैसे नहीं हैं इनमें से एक उम्मत वो है कि जो क़्याम करने वाली है यानी रातों को अल्लाह की इबादत करने वाली है अल्लाह की आयत को पढ़ने वाली है रात के पहर में और सजद अंजाम देने वाली है अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं और रोजे आख़रत पर भी ईमान रखने वाले हैं तो ये एक इम्तियाज़ है इस्लाम का और कुरान का कि उसने अगर किसी कौम में कोई अच्छा फ़र्द है या अच्छाई पाई जाती है तो उसको बयान किया है फिर इसके बाद ख़ुदा मंद करीम ने कुार का तस्करा किया और अहल ईमान को सख्त तम्बी की कि देखो इन कुफ़ार को अपना दोस्त मत बनाओ ये कुफ़ार ये चाहते हैं कि तुम उनके दीन पर आ जाओ ये कुफार अपने दिलों में बोझ रखते हैं ज़ाहिर भी जाहिर जाहिरी तौर पर भी इसका इजहार करते हैं लेकिन इनके जो दिल में बोझ है वो इनके जाहिर से कहीं ज़्यादा है तो अहले ईमान को ये तम्बी कराई गई कि देखो इन कुफार से बच के रहो इन कुफ़ार को अपना दोस्त मत बनाओ कि जब तुम्हें कोई नकी पहुँचती है तो इनको ये कुफ़ार हुआ है कि जब तुम्हें कोई नेकी पहुँचती है तो इनको दुख होता है और जब तुम्हें जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचती है तो ये खुश होते हैं लिहाजा इनको अपना दोस्त मत बनाओ फिर इसके बाद ख़ुदा करीम ने जंग बदर का तस्करा किया और फिर जंग बदर का तस्करा करते हुए खुदा करीम ने इशार फरमाया कि लक़द नकम्ल बदर उम वन तुम अज़िल्फ़लक तश्करून कि खुदा करीम ने बदर के मौके पर तुम्हारी मदद की जबकि तुम जलीलु खुआार थे फत तकुल्ला बस अल्लाह का तकवा अख्तियार करो शायद तुम शिक्र गगुजार बन सको फिर उसके बाद ख़ुदा करीम ने सूद की हरमत को बयान किया और सूद की हरमत को बयान करते हुए खुदा करीम ने बयान फ़रमाया कि या यू लजीना आमनू लताबा अफ़मआफ़ा बततकुल्ला तफल ए ईमान वालो सूद ना खाओ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा कर बतकुल्ला से डरो कि शायद तुम फला आ जाओ और उस आग से डरो कि जिसको खुदा बंद करीम ने काफिरों के लिए आमादा कर रखा है इसके बाद खुदा बंद करीम ने तमाम इंसानों को तश्ीक दिलाई कि खुदा की मकफ़रत की तरफ जल्दी करें दौड़ के भागें वसारत रब व जन्नत अर्द समावत वालर्द वद्दतमुतकी कि उस खुदा बंद करीम की मकफ़रत की तरफ जल्दी करो दौड़ो और उस जन्नत की तरफ कि जिसका रकबा आसमानों और ज़मीन पर फैला हुआ है जो जिसको ख़ुदांद करीम ने मुतकीन के लिए आमादा कर रखा है उस जन्नत की तरफ दौड़ो इसके बाद खुदांद करीम ने अहले ईमान को तसल्ली दी कि देखो अगर कुफ़ार से जंग करने में तुम्हें कोई अजियत या मुसीबत पहुँचती है तो तुम कोई पहली कौम नहीं हो कि जिसे कोई अजियत या मुसीबत पहुँच रही है तुमसे पहली कौमें भी उनको भी अजियतें पहुँची और जिस तरीके से तुम अजियत में आते हो इसी तरीके से कुफ़ार भी अजियत में आते हैं वहीं यमसन फ़कद मसल क़ौम करसलू वतिलकलअ्याम नदाबल बन्नास वलियाल्लादीन आमनू वमिन कुम शहदा व्ल हब्बालमिन क्या देखो अगर तुम तक कोई मुसीबत पहुँची है कोई अजियत पहुँची है तो ये जो कुफ़ार हैं इनको भी तुम्हारी ही जैसी मुसीबत पहुँच रही है यानी अगर तुम ज़ख्मी होते हो तुम्हारे बच्चे यतीम होते हैं तुम्हारा मालो इसबाब लूट लिया जाता है तो बिल्कुल इसी तरीके से कुफ़ार भी जख़्मी होते हैं उनके बच्चे भी यतीम होते हैं उनका मालो असबाब भी लूट लिया जाता है फिर खुदांद करीम ने मुसलमानों को तसली दी कि देखो ये जो अयाम है ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है जो गुज़र जाने वाली है कि जिसमें खुदांद करीम ने लोगों का इम्तहान लिया है लिहाजा सब्र और इस तकामत के जरिए से अल्लाह के दिन पर कायम रहो और अल्लाह ये चाहता है कि इन मुसीबतों के ज़रिए से इन आजमाइश के जरिए से जो खालस अहल ईमान हैं उनको ना खालस अफराज से जुदा कर दे इसके बाद दोबारा खुदा करीम ने आयत नंबर एक सौ चवालीस में मुसलमानों को तमबीह कराई कि देखो रसूल खुदा के चले जाने के बाद ख़बरदार दोबारा मरतमद हो जाना वामा महमदिन रसूल मिन कबल रसुल अफा इमातला कलब तुम अलाकाबुम व माम कलब अलाकब ही फ़लह शै व सैदी अल्लाह शाक्रीन के मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के और उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं तो बस अगर रसूल खुदा अपनी तबीयी मौत मर जाएँ या उनको कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम अपने पिछले दिन पर पलट जाओगे और जो शख्स भी अपने पिछले दिन पर पलट गया वो अल्लाह को जर्र बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा और इन शुक्र करने वालों को बेहतरीन जजा देने वाला है फिर इसके बाद खुदा करीम ने मौत का तस्कर किया कि मौत अल्लाह के अल एजेंस से आती है और दुनिया और आख़रत का तकाबुल पेश किया और फिर एक मरतबा दोबारा अहल ईमान को तंबीह कराई गई या यह लदीन आमन इन तो लदी कफ़रु कम अला अकाबिकम फ़तन कलबुरीन ए ईमान वालों अगर तुमने काफरों की इत की तो ये दोबारा तुम्हें पिछले दिन पर पलटा देंगे और फिर तुम सिवाए खसारे के और कुछ नहीं देख पाओगे फिर इसके बाद एक आयत का तवील सिलसिला है कि जिसमें खुदा करीम ने जंग अहद का तस्करा किया और जंग अहद की असल जो नाकामी का सबब था उसको खुदावंद करीम ने बयान किया कि इसमें जो असल नाकामी का सबब था वो दुनिया की मोहब्बत थी दुनिया की मोहब्बत ने इस जंग को जो कि जीती हुई जंग थी जीती हुई जंग को नाकाम बना दिया और फिर खुदा मंद करीम ने तस्करा किया कि अय मुसलमानों खुदा के मुतल बदगुमानी ना करो खुदा से अच्छा गुमान रखो खुदा ये नहीं चाहता कि तुम्हें कतल कराई या तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दे खुदा खुदांद करीम तुम्हारी फलाह चाहता है तुम्हारी नेकी चाहता है लिहाजा कोई यह कोई शख्स ये ना समझे कि अगर वो घर में बैठ जाएगा तो वो बच जाएगा अगर खुदा खुदांद करीम चाहे तो घर में बैठने वाले को भी मौत दे सकता है और इसी दौरान खुदांद करीम ने शहदा की अज़मत को बयान किया शहीद के मकाम को खुदांद करीम ने बयान किया कि वाल तबीन क़ुतिलू सभी वम बल दबकून के हरगिज उन लोगों को जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा फ़र्ज मत करो मुर्दा गुमान मत करो बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब की जानिब से रिक्स पा रहे हैं और फिर शहदा के मकाम और अजमत को बयान किया कि वो जो कुछ अल्लाह ने उनको अता किया है उस पर वो खुश हैं और फिर इसके बाद खुदा करीम ने कुफ़ार का तस्कर किया और कुफ़ार का तस्करा करते हुए रसोल्ला को तसली दी और कुफ़ार की मजम्मत की फ़रमाएँ के वल्कन युसाराउन फिलक़ुर शै आ रील हद आखरा वदामदीम ए पैगम्बर अगर ये लोग कुफर बरतने में जल्दी करें तो ये बात आपको नागवार ना गुजरे आप इससे गमजना ना हो ये अल्लाह को ज़र्रा बराबर भी नुक़सान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह तो चाहता है कि आख़रत में इनका कोई भी हिस्सा न हो और इनके लिए आखरत में एक अज़ब अजीम हो इसके बाद ख़ुदा करीम ने कुार की एक बेहूदा ख्वाहिश को जिक्र किया वो कहने लगे कि अजीन क़ाल् आहदा अलैन अल्लासिन हत्ना बेबान के ख़ुदान् करीम से ने हमसे लिया है कि कोई भी हम किसी भी रसूल पर ईमान ना लाएं, मगर ये कि उस वक्त के जब वो एक कुर्बानी अल्लाह की जानिब से लेकर आए और उस कुर्बानी को आग खा ले, तो हम उस पर ईमान ले आएँगे खुदा करीम ने इसका जवाब दिया कि कुल कज्जाक रसुलम मिन कबली बिलबियनात व बिल लदी कुल तुम फली कतल तुमो हम इनकुन तुम स्वादीन ए हबीब आप इनसे कह दीजिए कि मुझसे पहले भी रसूल आ चुके हैं उन तमाम निशानियों के लेकर और जो निशानी तुम चाहते हो यानी एक ऐसी कुर्बानी की जिसको आग खा ले ये निशानी भी लेकर आ चुके हैं बस तुमने क्यों उनको कत्ल किया अगर तुम निशानी ही चाहते थे और उस पर ईमान लाना चाहते थे तो वह तमाम की तमाम निशानियाँ लेकर आ चुके थे उसके बावजूद भी तुमने उनको कत्ल कर दिया फिर इसके बाद खुदा ने करीम ने दोबारा अहल किताब का तस्करा किया और अहल किताब की इस बात पर मजम्मत की गई कि उन्होंने अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट डाल दिया और इसके बाद खुदा करीम ने अपनी तोहद का बयान किया तो की वाज निशानियों का तस्करा किया साहबानक़ल की सिफात को बयान किया कि उनमें क्या क्या नेक सिफात पाई जाती है। वो हैं वो किस तरीके से अल्लाह का जिक्र करते हैं और किस तरीके से अल्लाह की इबादत में मशहूल रहते हैं ये तकरीबन सुर इमरान की आखिरी आयत का खुलासा था सुर मुबारक निसा की तेईस आयतें चौथे पारे में शामिल हैं मौलाए मौला कायनत अमीरम्न अली इब्न अबी जबनाबी तलबाला वसाम फरमाते हैं कि मन करा मनकर कुल नसा फ़िकल मिन आते अल मकब्र जो शख्स भी हर जुमे को सूरह निसा की तिलावत करेगा वो शख्स खबर से अमान में होगा तफसीर अल बुरहान में और तफसरा याशी में इस रिवायत को नकल किया गया है इसकी इब्तदाई आयत में खुदा करीम ने तमाम इंसानों को तकवा की तरफ दावत दी और तकबा की तरफ़ दावत देते हुए अपनी तोहिरद पर निशानी को बयान किया कि देखो खुदा करीम वो है कि जिसने तुम सबको एक ही नफ़ से एक ही जान से पैदा किया और फिर उसके बाद पूरी रुए ज़मीन पर मर्दों और और औरतों को फैला दिया फिर इसके बाद खुदा करीम ने यतीमों का तस्करा किया यतीमों के अमवाल का तस्करा किया कि देखो यतीमों की हिफाजत करो यतीमों के माल की हिफाजत करो क्योंकि यतीम माशरे का वो फ़र्द है कि जो माँ और बाप की शफ़त से महरूम है या तो उसकी माँ नहीं है या उसकी बाप नहीं है या दोनों नहीं हैं तो ये जो यतीम फ़र्द है अगर इसकी सही तरबियत नहीं की गई या इसको सही अंदाज़ में परवान नहीं चढ़ाया गया तो यही यतीम शख्स माशरे के लिए नासूर बन सकता है लिहाजा कुरान मजीद ने और इस्लाम ने ख़ तौर पर यतीमों की तरबियत पर ख़ास तोज दिलाई फ़रमाए के वातल अम वालम वाल तबीस तब तयब वाम वालमिलालकम् नबीरा के यतीमों का उनका माल दे दो और उनके माल में से जो अच्छा माल है उसको बुरे माल से तब्दील मत करो और उनके माल को अपने माल के मिलाप के साथ मत खाओ क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है इसके बाद खुदा करीम ने मीरा की तकसीम के अहकाम बयान किए कि देखो मीराज किस तरीके से तकसम होगी कि जो तुम में से कोई मीराश छोड़ जाए तो वो उसके बेटों के लिए है और उसके अकरबा के लिए है और उसके जो बीवियां हैं उनके लिए है और फिर उसके बाद फरमाया एक अखलाकी हुकम भी पेश किया कि देखो जब मीराश बट रही हो और मीरास बटते हुए कुछ यतीम और दूर के रिश्तेदार हाजिर हों तो अपनी मीराश में से कुछ उनको भी दे दिया करो यानी अगरचे के शर एबार से वो मीराश में हक़ नहीं रखते हैं लेकिन अगर वो मौजूद हैं उस वक्त जिस वक्त मीराज तकसीम हो रही है तो अपनी मीराश में से उनको भी कुछ हिस्सा दे दो और ख़ुदा करीम कहता है कि देखो याद करो कि आज ये बच्चे यतीम हैं इनका कोई देखने वाला नहीं है कोई वाली वारिस नहीं है ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे बच्चे भी यतीम हो जाएं और कल उनको भी इसी तरीके से दर बदर ठुकरा दिया जाए लिहाजा इस बात का खौफ खाते हुए अगर मीराज के वक्त कोई यतीम हाजिर हो जाए तो उसको भी मीराश में से कुछ हिस्सा दे दो और फिर उसके बाद ख़ुदा करीम ने मीराज के अहकाम को बयान किया कि लड़कों के लिए लड़की से दोगुना हिस्सा है और फिर तमाम जो मीरास की तकसीम है जो आप फी किताबों में पढ़ते हैं उसको खुदा करीम ने बयान किया इसके बाद खुदा करीम ने ज़िना की सज़ा को बयान किया और फिर उसके बाद खुदा करीम ने तोबा का हुकुम को बयान किया कि तोबा फ़कत उन लोगों के लिए कि जो गुनाह को अंजाम दे देते हैं जहालत में यानी गफलत में और उसके बाद अल्लाह की तरफ मतवज हो जाते हैं फ़ोल का यतुबाल्लिम तो ये वो अफ़रा हैं जिनकी तौबा अल्लाह कबूल फ़रमाता है वकान अल्लाहआलिम हकीम और फिर दूसरी आयत में ख़ुदाकर ने बयान किया कि वलई सतौबतिन यामलून सैत हवरूमौत अला तब्तलान वल लज़ी यमतून वहमकुफ़ार कि देखो तोबा उन अफराद के लिए नहीं है कि जो गुनाह पर गुना करते जाते हैं यहाँ तक कि जब वो मौत को अपने सामने देख लेते हैं मौत के फरिश्ते को अपने सामने देख लेते हैं फिर कहते हैं कि अब मैंने तोबा की कहा कि नहीं अब तोबा का वक्त ख़त्म हो गया और ना ही तोबा उन लोगों के लिए कि जो कफुर की हालत में मर चुके हैं उनके लिए भी तोबा नहीं है फिर इसके बाद खुदा करीम ने बीवियों के हकूक को बयान किया कि देखो अगर तुम एक बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी को अपनाना चाहते हो तो उसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है लेकिन जो माल तुम पहली बीवी को दे चुके हो उसमें से ज़र्र बराबर भी ना लो वो माल पहली बीवी का है जो माल उसका है वो माल उसका है लिहाजा वो उसी का रहेगा तो अगर तुम बीवी बदलना चाहते हो तो शौक से बीवी तब्दील करो लेकिन पहली बीवी का माल मत लो और बीवियों को ज़बरदस्ती मीराश में मत बाँटो और जबरदस्ती उनको रोके ना रहो फिर उसके बाद ख़ुना करीम ने उन औरतों का बयान किया कि जो निकाह के हवाले से एक मर्द पर हराम है और ये तकरीबन ख़ुलासा है सूर्य मुबारक नस्ाहा की तेईस आयत का जो कि चौथे पारे में शामिल है व आखिर रबालमी